साथियों नमस्कार। आपका BSTC 2023 पेपर संपन्न हुआ और पेपर संपन्न होने के बाद साथियों अब मैं आपको आपका BSTC पार्ट में हिंदी के जो प्रश्न आए थे उन हिंदी के सारे प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। देखिए साथियों, आपसे प्रश्न पूछा गया था स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, स्वच्छ के संधि विच्छेद की बात करें तो स्वच्छ में सु प्लस अच्छ और संधि की बात करें तो यण संधि होगी। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था संवाद में उपसर्ग क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, संवाद में सम उपसर्ग है और बाद यहाँ पर मूल शब्द है और असल में संवाद संस्कृत का उपसर्ग है। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, पुस्तकालय में संधि कौन सी है। तो प्यारे साथियों, पुस्तकालय में अगर पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद करें तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का घर, और अगर संधि की बात करें साथियों तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों आपसे युग्म शब्द का, और यहाँ पर दो शब्दों के युग्म शब्द पूछे गए थे। पहला शब्द था आदि और दूसरा शब्द भी था आदि, केवल मात्राओं का फर्क था। यहाँ पर पहले वाले आदि का अर्थ था आरंभ या प्रारंभ और दूसरे आदि शब्द का अर्थ था साथियों यहाँ पर आदत हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया था तरंग और तुरंग दोनों युग्मों में अंतर बताइए। तो यहाँ पर जो है तरंग का अर्थ लहर होता है पहले वाले का, और दूसरे तुरंग का अर्थ साथियों यहाँ पर घोड़ा होता है। ये भी युग्म शब्द से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था मेरे साथियों, विषाद का विलोम क्या होगा। तो देखिए साथियों, विषाद के अगर विलोम की बात करें तो विषाद का उल्टा होता है आह्लाद होना, खुशी होना, हर्ष होना। इन तीनों में से जो भी आपके एग्जाम में शब्द आया था वही इसका आंसर है। विषाद का जो विलोम उल्टा होगा तो यहाँ पर आह्लाद प्रसन्नता होगा, खुशी होगा, क्योंकि साथियों विषाद का अर्थ होता है एक तरह से दुख होना, और दुख का अगर विलोम होगा तो एक तरह से आह्लाद होगा, खुशी होगा, हर्ष होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे संपन्न का विलोम क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, संपन्न का यहाँ पर विलोम की बात करें तो संपन्न का विपन्न विलोम होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जंगल में लगने वाली आग इसको क्या कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा यहाँ पर जंगल में लगने वाली आग को दाबाग्नि कहते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर दो तीन प्रश्न आते हैं, एक पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं जठराग्नि, एक समुद्र में लगने वाली आग होती है उसको बोलते हैं वड़वाग्नि। इस प्रकार से अग्नि, ये दो तीन शब्द आते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे साथियों आंसर है वो है दाबाग्नि, जंगल में लगने वाली आग। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था नक्टा में समास कौन सा होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर नक्टा में समास की बात करें तो यहाँ पर आपका नक्टा में अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो न और न तत्पुरुष होता है, किंतु अगर अन्य अर्थ की बात करें तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी नक्टा में हो रहा है। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, गवैया में प्रत्यय क्या होगा। तो गवैया में यहाँ पर ए अप्रत्यय होगा साथियों। बात अगले प्रश्न की करें तो अगला प्रश्न पूछा गया था लंबोदर में संधि कौन सी होगी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, लंबोदर में अगर संधि की बात करें तो गुण स्वर संधि होगी, और अगर लंबोदर में आपसे समास पूछा जाए तो बहुव्रीहि समास होगा। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, तीसरा अन्य अर्थ जा रहा है, अन्य अर्थ की प्रधानता हो रही है। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था जो है कमल और घोड़े के पर्यायवाची के बारे में बातें की गई थी। तो देखिए साथियों, कमल के पर्यायवाची में आपको बता रहा हूँ कि भैया कमल का सरोज होता है, पंकज होता है, अब्ज होता है, नीरज होता है, अरविंद होता है, राजीव होता है, पुंडरीक होता है, सद्दल होता है। अब यहाँ पर जो भी इनमें से नहीं था वो आप सेलेक्ट कर लेना भैया कौन सा नहीं था, इतने होते हैं। बात घोड़े की करें तो घोड़े का देखिए बाजी होता है होता है, घोटक होता है, तुरंग होता है, सेंधव होता है। इस प्रकार से ये घोड़े के पर्यायवाची होते हैं साथियों। अब इनमें से कौन सा नहीं था वो आप देख लेना। अगला प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, अंधे के आगे रोना मुहावरा लोकोक्ति का प्रयोग पूछा गया था, और इसका अर्थ होता है साथियों यहाँ पर असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना, जो खुद ही असहाय है, जिसके पास खुद ही कुछ नहीं है, भैया वो आपकी क्या सहायता करेगा। तो ऐसों के बारे में कहा जाता है कि अंधे के आगे रोना तो उल्टा अपने जो है व्यवहार, अपनी मति को बेकार करना है, अपने समय को बर्बाद करना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। अगला प्रश्न पूछा गया था पौ बारह होना, बहुत ही अच्छा मुहावरा लोकोक्ति का प्रयोग किया गया था साथियों, और यहाँ इसका अर्थ होता है अधिक लाभ होना, अधिक लाभ प्राप्त होना। कहते हैं यार उसको तो भैया उसकी तो पौ बारह हो गई, तो यहाँ पर अधिक लाभ प्राप्त होने के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है।
अगला है साथियों, ये भी मुहावरे से प्रश्न पूछा गया था, रीति के विरुद्ध कार्य करना। देखिए साथियों, प्रश्न पूछा गया था कि रीति के विरुद्ध कार्य करना, और रीति के विरुद्ध कार्य करने का अर्थ होता है साथियों अनैतिक कार्य करना, गलत कार्य करना। कहते हैं कि भैया वो तो रीति, एक तरह से रीति के विरुद्ध चलता है, वो तो अनैतिक कार्य करता है, ऐसा कार्य इसको समाज मान्यता नहीं देता हो। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा साथियों अनैतिक कार्य करना। अगला प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, बालू से तेल निकालना। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है साथियों इस लोकोक्ति का कि कोई कठिन कार्य करना या कठिन से कठिन कार्य करना। आपको पता है कि कहीं बालू से तेल निकलता है क्या? तो साथियों यहाँ पर एक बहुत ही अलग अर्थ आ रहा है इसका कि कोई कठिन कार्य करना, विशेष कठिन कार्य करना। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, क्योंकि इससे पूर्व मेरे चैनल पर आपको राजस्थान प्री VST की सामान्य ज्ञान को डाल चुका हूँ, अब आपको हिंदी को डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं और भी टीचर एप्टीट्यूड को डालूंगा। और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही निकल रहे हैं, पेपर का लेवल आपको कैसा लगा। यस मेरे साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया था एक प्रत्यय की अशुद्धि के नियम कौन से हैं। तो देखिए भैया, एक प्रत्यय में शब्द पूछे गए थे वैचारिक, विचार शब्द से बना, एक प्रत्यय वैचारिक बिल्कुल सही है। नैसर्गिक, नैसर्गिक शब्द से बना, एक प्रत्यय नैसर्गिक सही है। स्वाभाविक, स्वभाव से बना है, और एक प्रत्यय स्वाभाविक। वैदिक, वेद से बना है, और एक प्रत्यय वैदिक। तो साथियों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐसा था जो आपके अनुसार सही नहीं रहा था, नहीं इसमें सेट हो रहा है, पेपर के अकॉर्डिंग आप इसको देख करके सही कर लेना। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था, मुहावरा किस भाषा से आकर मिला हुआ है। देखिए बहुत ही इस बार हटके प्रश्न पूछ लिया गया, अब तक केवल मुहावरे के उदाहरण दिए जाते थे, लेकिन उसने पूछ लिया कि भैया मुहावरा जो है ना किस भाषा से आकर के यहाँ पर मिला हुआ है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, उसका आंसर है अरबी भाषा से आकर मिला हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास के उदाहरण कुछ दिए गए, घर घर, रोग निरोग, इसके अलावा लाभ हानि, माता पिता। तो देखिए साथियों द्वंद्व का मतलब होता है जहाँ और का लोप होता हो। तो देखिए भैया रोग और निरोग बिल्कुल सही है, माता पिता वाली बात बिल्कुल सही हो गया, सही है, लाभ हानि हो गया, लेकिन मेरे साथियों घर घर में नहीं होगा, घर घर में यहाँ पर अव्यय भाव समास हो गया, कोई भी शब्द ऐसा कि ऐसा रिपीट हो जाए तो इति अव्यय अव्यय होता है साथियों। एक अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि भैया श्रीमती का सुद्रूप क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों श्रीमती का सुद्रूप है वो यहाँ पर यही होता है, क्योंकि श्रीमती शब्द है उसको यहाँ पर इस तरह से बड़ी की मात्रा श्रीमती में आती है हमेशा, अगर छोटी की मात्रा आती है तो गलत है, ये सुद्रूप है। अब आपसे किस तरह से पूछा था ये आप देख लेना। तो साथियों इस तरह से ये मैंने आपको प्रश्न बताए, आपके हिंदी से संबंधित इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न आपको कैसे लगे, प्रश्न अगर अच्छे लगे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथियों इससे पूर्व में मैंने आपको राजस्थान जीके के प्रश्न मेरे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, अब हिंदी के प्रश्नों को अपलोड कर दिया है, इसके अलावा टीचर अपटूट और रीजनिंग को कर दूंगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।